हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और आज की वीडियो का टाइटल है दोस्तों अपने डिवाइस में हम कलर करेक्शन सेटिंग और कलर इन्वर्जन सेटिंग इन दोनों मोड को कैसे ही यूज़ करेंगे। दोस्तों अब इन दोनों सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो आज की वीडियो में ये बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके डिवाइस में। तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, आपको अपने डिवाइस में दोस्तों पहले सबसे पहले ओपन करना है स्पेशल फंक्शन सेटिंग वाले सेटिंग को ही। स्पेशल फंक्शन सेटिंग को ओपन करने के बाद लास्ट ऑप्शन आप क्लिक कर लो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे। और यहाँ पर आप टॉक बैक को, सेलेक्ट टू स्पीक को, स्विच एज ए सेटिंग, हाई ट्रांसलेट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कलर करेक्शन आपको यहाँ पर शो होता है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप कलर करेक्शन को इनेबल करो। इनेबल करने का दोस्तों यहाँ पे इसके तीन मोड है, रेड ग्रीन और यहाँ पे ब्लू येलो। दोस्तों आप इन तीनों को यूज़ करोगे। सबसे पहले आप क्लिक करो यहाँ पे रेड ग्रीन वाले पे, इस वाले पे, फर्स्ट वाले पे। दोस्तों यहाँ पे जो आपके आइकन कलर है और यहाँ पे स्किन कलर है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस करेगी और आपके जो आइकन कलर है ये चेंज हो जाएंगे। अब दोस्तों सेकेंड वाला जो रेड ग्रीन है दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। और लास्ट अगर आप क्लिक करते हो ब्लू येलो वाले पे, तो यहाँ पर आपके फ़ोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से इंटरफेस करेगी और यहाँ पर आपके आइकन कलर कुछ इस तरीके से इंटरफेस करेंगे अगर आप कलर करेक्शन सेटिंग को इनेबल करके यूज़ करते हो अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी टेक्नो के फ़ोन में। अब दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से इंटरफेस करती है, आपके फ़ोन में किसी ने इस सेटिंग को इनेबल कर दिया और आपको इसके बारे में नहीं पता, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको ऑफ कर देना, बस आपकी स्क्रीन वापस से पहले जैसे हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट आइकन यहाँ पर आपके आ जाएंगे कलर में। अब दोस्तों क्लिक करते हैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कलर इन्वर्जन। दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद आपकी जो स्किन है ऑटोमेटिक डार्क मोड में हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इसको इनेबल करा, और दोस्तों आपकी जो फ़ोन की स्किन है ये तो बिल्कुल ही टोटली चेंज हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल ही कलर चेंज हो जाएगा आपके डिवाइस में। आप देख सकते हो दोस्तों वॉल पेपर कलर हमारे फ़ोन में क्या हो गया है। और दोस्तों अगर अपने फ़ोन में आप कुछ ऑन करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप ऑन कर लेते हो यूट्यूब ऐप एग्जाम्पल के लिए, यूट्यूब को ऑन कर लेते हैं दोस्तों नेटवर्क कनेक्ट करके, दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो स्क्रीन को जिस तरीके से इंटरफेस करेगी आपके डिवाइस में, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों आपके स्क्रीन इस तरह इंटरफेस करेगी जैसे ही आप अगर कलर इन्वर्जन को इनेबल करके यूज करते हो अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आप। और दोस्तों अगर आपके फोन की स्क्रीन इस तरीके से इंटरफेस कर रही है, तो आपको फोन की सेटिंग में चले जाना है। और फोन की सेटिंग में जाना है दोस्तों आपको जो सर्च वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करो। और दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कर लो कलर सेटिंग COLOR। यहाँ पर आपको दिखेगा कलर करेक्शन, कलर इन्वर्जन। कलर इन्वर्जन पे क्लिक करेंगे दोस्तों कलर इन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो कलर करेक्शन के सेल पे भी क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। आपको इस पे क्लिक करके यहाँ से बस इसको ऑफ कर देना है, आपकी स्किन वापस से पहले जैसे हो जाएगी। दोस्तों आप इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कलर करेक्शन और कलर इन्वर्जन सेटिंग को ऐसे यूज़ कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना।